दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त ऋषि ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग क्यों किया था। अगस्त ऋषि को बहुत ज्ञानी ऋषि माना जाता है। वह एक बार पूरे समुद्र को ही पी गए थे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्हें अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन थे ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपनी तपस्या से कई शक्तियों को प्राप्त कर रखा था। उनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त एक वैदिक कालीन महान ऋषि थे। इनके भाई का नाम विश्वा और पिता का नाम पुलस्त्य ऋषि था। अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था, जिसे आज अगस्त कुंड के नाम से जाना जाता है। जब देवों और असुरों के बीच संग्राम हो रहा था, तब सारे असुर समुद्र में जाकर छुप गए थे। फिर अगस्त ऋषि ने ही सारे समुद्र को पी लिया था और असुरों का संहार हो पाया था। अब हम पहले यह जान लेते हैं कि ऋषि अगस्त का जन्म कैसे हुआ। एक बार सूर्यदेव और वरुण देव स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को देखकर उनके प्रेम में पड़ गए। तब उन दोनों को अप्सरा को देखने पर उनका वीर्यपात हो गया। फिर इस वीर्य को एक घड़े में संजोकर रख दिया गया। समय के अनुसार 9 महीने बाद उस घड़े में से दो महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त और ऋषि वशिष्ठ। अब इन दोनों को एक साथ महत्व वरुण भी कहा जाता है। और इसी के साथ ऋषि अगस्त का जन्म क्योंकि एक घड़े से हुआ था, इसीलिए इन्हें कुंभ ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऋषि अगस्त ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह क्यों किया था। ऋषि अगस्त ने अपनी तपस्या के बल से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया था, जिसका नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विकर्म का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, अर्थात संतान की प्राप्ति ना होने से वह अत्यंत दुखी है, तब ऋषि अगस्त ने उस राजा को अपनी पुत्री लोपामुद्रा गोद दे दी। ऋषि अगस्त की सर्वगुण कन्या को गोद पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर समय के साथ लोपामुद्रा राजा के महल में ही बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद ऋषि अगस्त उस राजा के महल में गए और उन्होंने वहाँ जाकर अपनी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांग लिया। राजा ना चाहकर भी कुछ न कर पाता, क्योंकि अगर राजा ऋषि अगस्त से मना करता तो ऋषि अगस्त उसे श्राप दे देते। तब राजा ने इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री लोपामुद्रा का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ अगस्त ऋषि से करा दिया। अगस्त ऋषि लोपामुद्रा से विवाह करके उसे अपनी कुटिया पर ले आए और वहीं अपना सारा जीवन व्यतीत किया। तो इसी तरह से अगस्त ऋषि ने अपनी ही गोद दी गई पुत्री से विवाह किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।